महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच एक सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। सी वोटर के इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में किसका माहौल बन रहा है और किस गठबंधन का पलड़ा भारी है, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से ये पूछा गया कि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो सबसे ज्यादा 25.2% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। इसके अलावा 15.5% लोगों ने CANRC और राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। 11.5% लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और 5.8% लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को जिक्र करते हुए बड़ा मुद्दा बताया। 16.6% लोगों ने बोला कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। शिंदे सरकार की कौन सी योजना मतदाताओं को आकर्षित करेगी, इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा 45.4% लोगों ने लाडली बहन योजना का नाम लिया। 9.5% लोगों ने महाशेतकारी योजना और 7.6% लोगों ने जन आरोग्य योजना को प्रभावी बताया। 4.1% लोगों ने लेक लाडली योजना, 3.5% लोगों ने घर सुरक्षित अभियान, 1.9% लोगों ने आदमी आवास योजना और 0.2% लोगों ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम का नाम लिया। सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि अगर बीजेपी अजीत पवार से नाता तोड़ दे तो क्या इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, 49.2% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया, जबकि 35.8% लोगों ने नहीं कहा। इसके अलावा 15% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने क्षेत्र के विधायक से संतुष्ट हैं और दोबारा उनको जिताएंगे, तो 50.8% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया, जबकि 10.5% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं लेकिन इस बार कोई और जीतना चाहिए। इसके अलावा 29.6% लोगों ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विधायक से नाखुश हैं और चाहते हैं कि इस बार कोई और जीते। सी वोटर के सर्वे के हिसाब से महायुति सरकार कुछ मामलों में आगे तो कुछ मामलों में झटके खाती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि ये सर्वे हकीकत में कितने तब्दील हो पाते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होने हैं, जबकि नतीजे 23 नवंबर को जनता के सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि जनता ने सत्ता की कुर्सी तक किसे पहुंचाया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज तक के साथ।